ड्रोन दोस्तों, मैं हूं प्रदीप। फ्रेंड स्वागत करता हूं मेरे और आपके चैनल प्रदीप फॉर फाइट द म्यूजिक पर, जहां पर मिलता है म्यूजिक रिलेटेड कई सारे लर्निंग वीडियो, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। हां दोस्तों, अगर आप म्यूजिक में रुचि रखते हैं, म्यूजिक में इंटरेस्ट रखते हैं, संगीत सीखना चाहते हैं, बंसी वादन सीखना करना चाहते हैं, कीबोर्ड बजाना सीखना चाहते हैं और इस चैनल में नए हैं, तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखिए, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए और साइड में बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो पोस्ट करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। हां दोस्तों, जैसे कि इस वीडियो की थंबनेल देख के आप जान गए होंगे कि आज की वीडियो का टॉपिक क्या है। दोस्तों, आज की वीडियो की ये टॉपिक है, हम बंसी में जो बजा रहे हैं, सरगम जो बजा रहे हैं, सारेगामा, वो सही स्केल में बज रहा है कि नहीं। अगर नहीं तो कैसे हम सही स्केल में बजाएंगे, इसका ऊपर एक छोटा सा ट्यूटोरियल क्लास दे रहा हूं। तो आइए, समय विलंब ना करते हुए आज की मेन टॉपिक पर चलते हैं। बंसी में सरगम सही बज रहा है कि नहीं, कैसे जाने? दोस्तों, बंसी स्केल में सही से बज रहा है कि नहीं, ये जानने के लिए दो मेथड है। एक तो हम तानपुरा पहले बजाएंगे, हमारे फ्लूट जो स्केल का है उसी स्केल में तानपुरा बजाएंगे। तानपुरा के साउंड से हम सुनेंगे, जैसे ये मैं फ्लूट ले आया हूँ सी का, मिडिल ऑक्टेव का, नेचुरल सी। सी में जो साउंड सुनाई दे रहा है तानपुरा का, वो साउंड से इस साउंड को मिलाना है। ऐसे ये सा मिल गया, इस तानपुरा के साउंड से अगेन ये सी बज रहा है, इसका रे होगा डी, उसको डी स्केल करके भी हम देख सकते हैं, अगर मिल रहा है तो हमारे फ्लूट ठीक है। ये उन्हीं के लिए संभव है जो थोड़ा बिगिनर से एडवांस है, जो संगीत में एक्सपीरियंस है, वो तानपुरा के साउंड सुन के, हमारे फ्लूट के साउंड सुन के जानते हैं कि सुर मिल रहा है कि नहीं, स्केल मिल रहा है कि नहीं। और दोस्तों, लेकिन जब फ्लूट बिगनर है, वो नहीं जान पाते हैं सुर मिल रहा है कि नहीं, स्केल मिल रहा है कि नहीं। इसी समस्या को समाधान करने के लिए आज की ये वीडियो है। दोस्तों, डिस्प्ले में दिखाई दे रहा है एक एप्लीकेशन, जिसका स्क्रीन रिकॉर्ड करके आपको डिस्प्ले में दे दिया हूं, जिसका नाम है ट्यूनर। आपके प्ले स्टोर में मिल जाएगा, आप उसे डाउनलोड करके ट्यूनर के साथ फ्लूट बंसी बजा के हम जान पाएंगे कि स्केल में बज रहा है कि नहीं बंसी। आइए, इसका एक डेमो आपको दिखा रहा हूं। देखिए, पहले तो दोस्तों तानपुरा के साउंड को हम पूरा कम कर देंगे या बंद कर देंगे, उसके बाद हम जाएंगे हमारे ट्यूनर पर, ट्यूनर एप्लीकेशन पर जो आपको डिस्प्ले में दिखाई दे रहा है। मैं मेरे फ्लूट का सा बजाऊंगा, इस फ्लूट में जो सा बज रहा है और डिस्प्ले में जो ट्यूनर का जो नीडल है दिखा रहा है वो ग्रीन हो जाएगा। ये सी का फ्लूट है तो वहीं पर सी का भी सिम्बल लिखा आएगा, और जो इंडेक्स है, जो कांटा है ट्यूनर का, वो ग्रीन हो जाएगा, तब जानेंगे कि हम सही स्केल में बजा रहे हैं। आइए आपको बताता हूं, देखिए दोस्तों, ट्यूनर में ग्रीन का सिंबल आ गया, ग्रीन कलर आ गया, मतलब ये सही बज रहा है, सही स्केल में है। हम बिगिनर को यही एडवाइस देते हैं, मैं भी यही प्रैक्टिस करता हूं, सा को कैसे 440 एजेड में हम रियाज करें, क्योंकि अगर हम 440 एजेड में अगर रियाज नहीं करेंगे, कोई रिकॉर्डिंग में, कोई जब ऑडियो रिकॉर्डिंग में बजाएंगे तो इसका टोन
इसका सुर और दूसरा कीबोर्ड हो या गिटार हो या ऑर्गन हो उसका सुर के साथ नहीं मिलेगा और सुनाई देगा, इसलिए 440 एजर में प्रैक्टिस रियाज करना चाहिए। देखिए और एक बार दिखा दे रहा हूं, दोस्तों ऐसा लंबा लंबा सा का रियाज करना है। ये हो गया सी का, ट्यूनर में ग्रीन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब सा परफेक्ट है। अब बजेगा रे, ये सी है, ये होगा डी। अगर मैं डी को ब्लो करूंगा, बजाऊंगा, ट्यूनर में ग्रीन दिखाई देगा तो डी भी मेरा परफेक्ट है, मेरा फ्लूट परफेक्ट है डी का। देखते हैं, देखिए दोस्तों बी का भी ग्रीन आ रहा है, सी का भी ग्रीन आ रहा है। अब देखते हैं गा, गा मतलब ई, इसका मतलब ई का भी ग्रीन दिखा रहा है, इसका मतलब ये फ्लूट सही डी ई सा रे गा का स्वर ठीक है। ये रहा मा, मा मतलब एफ, एफ में ग्रीन दिखाई दे रहा है तो इसका मा भी ठीक है। अब देखते हैं पा, अब देखते हैं पा, ठीक है ठीक है, मी भी ठीक है ठीक है। सारे गामा पाधानी, ये सब जो ट्यूनर में अगर आपको ग्रीन दिखाई दिया इसका मतलब ये फ्लूट परफेक्ट है, ठीक है, स्केल में बज रहा है। दोस्तों बिगनर पहले पहले जो बजाते हैं उनका ब्लोइंग कंट्रोल नहीं रहता है, फ्लूट सही रहने पर भी स्केल में नहीं बसता है। इसी को रियाज करने के लिए हम ये ट्यूनर का एप्लीकेशन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रहा हूँ, आप उसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करके आप अपने बंसी में रियाज कर सकते हैं लंबा लंबा एक एक स्वर 5-5 मिनट। देखिए दोस्तों ये बिगनर के लिए ही ये वीडियो है और उन एक्सपीरियंस के लिए है जो बंसी बजाते हैं लेकिन सुर परफेक्ट नहीं है, कैसे जाने, वो भी ऐसे उनका एग्जाम खुद उनका परीक्षा और खुद कर सकते हैं ये इसी ट्यूनर में। देखिए दोस्तों हम कितने भी एक्सपीरियंस हैं ये हमारे एक्यूस्टिक इंस्ट्रूमेंट है, हमारे ब्लोइंग के ऊपर बंसी का साउंड निकलता है, डिपेंड करता है। हमारा ब्लोइंग कंट्रोल नहीं रहेगा तो सुर परफेक्ट सुर नहीं बजेगा। ये परफेक्ट सुर बजाने के लिए मैं एक ट्यूनर का आपको एडवाइस कर रहा हूँ, इसे तानपुरा सुन करके भी आप बजा सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर रखते हैं, आशा करता हूँ मैं जो आपको बोलना चाह रहा था ये आप समझ गए हैं।